यार तूने तो मेरे दिल की बात कही। थैंक यू थैंक यू। निशा के हाथ में इतने सारे गुच्छे फूल के और फिर भी वेटिंग लिस्ट में लाइन लगा के खड़े हैं। थैंक यू। बारे में तो सोचो, वो बेचारी अकेली, इतने सारे लड़के, आखिर वो प्यार बांटे तो किस चीज को बांटे। ये वाह, ये प्रीति बॉस, ये देख रहे देख, ये लड़की को कॉलेज में आके बाप एक बरस भी नहीं हुआ और लड़कों के दिल तो ऐसे तोड़ रहे लिए बाप जैसे कि कोई खिलौना हो। अरे यार सुन, मुझे तो लगता है कि ये पृथ्वी से ही प्यार करती है और इसीलिए किसी को घास तक नहीं डालती। हाँ जा पृथ्वी जा, आज रोज डे के बहाने अपने प्यार का इजहार कर दे। ए छपन टिकले, बहुत फुदक रही तू आजकल। तेरी तो मैं नहीं चाचा, नहीं ये पृथ्वी का बच्चा तेरा पीछा तो कभी नहीं छोड़ने वाला है जब तक तेरी किसी के साथ सेटिंग नहीं हो जाती। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं किसी भी ऐरे गैरे नत्थू खैरे को अपना दिल दे दूं? पर निशा, वो तो ऐरा गैरा नथु खैरा नहीं है, सभी लड़कियां उस पर मरती हैं। मरती होंगी, मैं तो नहीं मरती। तभी तो वो तेरा दीवाना है, न जाने कैसे कैसे सभी लड़कियों से अपना फूल बचाकर तेरे लिए ला रहा होगा। मुश्किल से लड़कियों से बचा के लाया हूँ, वरना लड़कियाँ इसकी पत्ती पत्ती तोड़ के गुलकंद बना डालेंगी। तुम खुद किसी गुलकंद से कम लग रहे हो क्या? चलो तुम्हें तो मैं पटा के रहूंगा। ना तू जा रुक जा, मैं तो तेरा हूँ दीवाना, तेरा आशिक हूँ पुराना, मेरे सीने से तू आके लग जा। हट जा न सता हट जा, तेरी मैं नहीं दीवानी, छोड़ प्रेम की कहानी, अपने जाल में मुझे न तू फंसा। रुक जा ना तू जा न सता हट जा। मुझ पे किया है जादू, दिल में है बेचैनी, मेरे मन पे नहीं है काबू। कोड़िए गिरिए उड़िए गिरिए सोनिए बलिए, तू तो है बेहोश कि मैंने होश नहीं है खोया, खेल प्यार का खेला जिसने जीवन भर वो रोया। मुंडिया जा मुंडिया जा ना बना फुट जा न
तू यूं बहाना, ये तो खेल है पुराना, आजा लूट ले हम प्यार का मजा। हट जा ना सता, रुक जा ना तू जा। बातें करके जानम दिल मेरा ना तोड़ो, मस्त जवानी फिर ना आनी, अब ये नखरा छोड़ो। पट पट पटा पट, पट पट पटा पट करना खट पट। ओ नहीं मैं पटने वाली, मेरी बात है निराली, ऐसी बातें ना तू मुझको सुना। रुक जा ना तू जा, न सता हट जा। मैं तो तेरा हूँ दीवाना, तेरा आशिक पुराना, मैं तो तेरा हूँ दीवाना, तेरा आशिक पुराना। मेरे सीने से तू आके लग जा, रुक जा ना तू जा, ना सता हट जा। रुक जा ना तू जा, ना सता हट जा। रेखा? नहीं। माधुरी? टुनटुन? यू? मैं तुम्हें टुनटुन लगती हूँ? अरे बाबा, तुम तो मेरी स्वीटी पाई निशा हो। निशा की गोली आकाश के साथ सटक, अब मेरा मतलब है कि अटक गई। मेरे साथ मजाक मत कर। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा बाप, अरे देख नहीं रहा क्या क्या झामे हो रहे ले। पर निशा ने मुझे, जयचंद मुझे क्यों ठुकरा है? मेरा बाप मंत्री है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मोबाइल है, सब कुछ तो है मेरे पास, इस कंगाल के पास क्यों गई निशा? बचपन से उसके माँ बाप का साया उससे छूट गया, अनाथालय के टुकड़ों पे पला है वो, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, और निशा फिर भी उसके साथ। अरे यार क्या निशा निशा लगा के रखा तूने यार, अरे छोड़ना यार उसको, दुनिया में और भी एक से एक जबरी आइटम पड़े ली बाप, तू भी नहीं। जयचंद मैं निशा को नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता निशा को तू? हाँ क्या बात करता है तू यार, निशा किसी और को है नहीं क्या दुनिया के अंदर? तू चल मेरे साथ, ये तो पानी कम जो आइटम है, चल। कहाँ? अरे वहां जहां तू निशा क्या अपने आप को भी भूल जाएगा। जयचंद तू मुझे कहाँ लेके आ गया? अरे गुरु ये जन्नत है जन्नत, आगे आगे देख होता है क्या। जब से आऊ ना तू यही कह रहा है आगे आगे देख होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आ जाएगा गुरु, काय को गर्मी खाता है, चल आगे चल। सर जी आपके पूरे पांचों के पांचों आइटम फार्म हाउस में भेज दिए गए हैं। हाँ हाँ और कुछ बोलिए। जयचंद ये डेंजर एरिया बाप। हाँ। ये जोरा हाँ। अपने बनारसी उस्ताद की जरूरत है? बनारसी उस्ताद नहीं, बनारसी दल्ला। जब 100 कुत्ता मरता है तो एक दल्ला पैदा होता है, जब 100 दल्ला मरता है तो एक बनारसी पैदा होता है, दल्लों का दल्ला बनारसी दल्ला। और बनारसी उस्ताद क्या खबर है उस्ताद? खबर तो बहुत कुछ है बबुआ, एकदम फ्रेश फ्रेश ताजी ताजी, हिंदी सिंधी गुजराती मराठी नेपाली चाइनीज रशियन, ऐसा बोला कि पूरा वर्ल्ड का खबर है। यार तू तो कह रहा था यहाँ बड़ा मजा आएगा, क्या तू यहाँ पे अखबार के जोक्स पढ़ पाएगा? हल्लक में उतार देंगे लाठी,
चिकने गाल पर चूंटी मारू तो दूर टपके। तू कौन? अरे उस्ताद, अपन के जिगरी यार है क्या? मंत्री प्रभु दयाल का बेटा है। बहुत रही जामा है। मंत्री का बेटा है फिर तो टेबल न्यूज से काम ना ही चलेगा। फिर तो कोई रंगीन चटपटा आए हाय 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 मधु बाला गजब कर डाला पेश करना पड़ेगा। ये क्या है? अरे यार जन्नत की छामिया है। बहुत अच्छी लड़कियां है, बहुत अच्छी लड़कियां है। बैठने को बोलो ना तो लेट जाती है। अरे सोचने का नहीं बे, बस इशारा कर कौन चाहिए और खाला। बाबूआ ये हमार श्री देवी है। ये जो है हमार करिश्मा कपूर है। ये का तनिक थोड़ी सी काली है ना तो ये हमार मधु है। चुन ले कौन सी चाहिए देखना। वाह बबुआ वाह वाह, परख भी क्या सरस है। अरे चुनी भी तो वो खबर जो अभी अभी सीधा फैक्स होकर आ रही है। नथ भी नहीं उतरी साली की। अरे उस्ताद तो अपन का यार किस मरज का जामा है। अबे जाना डरता क्यों है, जा निकल ले निकल ले। ए, हम दल्लों के भी कुछ असूल होते हैं। जो करना है बंद कमरे में कर, ऊपर के रूम का एसी ऑन है। निकल ले निकल ले निकल ले। इधर ही शुरू हो गया था साला। हाय हाय। एक पप्पी दो ना प्लीज। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। अरे रे कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी। ओके बाय। खुल्लम खुल्ला तोता मैना का खेल खेला जा रहा है, है? तू क्या समझती है अपने आप को? चले हट जा। पृथ्वी आगे मत बढ़ना नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। प्रिंसिपल को मुंह दिखाने लायक बचोगी तो ही शिकायत करोगी ना। मैं शोर मचा दूंगी। इतनी आवाज में तुम्हारा शोर कौन सुनेगा? तुम ऐसे नहीं मानोगे। बहुत हाथ चलने लगे तेरे आजकल, लेकिन आज के बाद तेरे हाथ नहीं चलेंगे।
दिस नॉनसेंस? व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है ये? सर, इसने निशा की इज्जत लूटनी चाहिए। सर, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था सर। ये मजाक है, ये मजाक है, या फिर ये मजाक है? सर, ये झूठ बोल रहा है। सर, ये इन दोनों की मिली भगत है सर। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सर। पृथ्वी, मैं तुम्हें आज से नहीं पिछले 2 साल से जानता हूँ, इसलिए मुझे पता है तुम कितने पानी में हो। इसलिए मैं तुम्हें आज ही इस कॉलेज से रेस्टिकेट करता हूँ। आप मुझे रेस्टिकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम मंत्री के बेटे हो। मंत्री के बेटे हो इसलिए कॉलेज की लड़कियों की इज्जत लूटते फिरोगे, कॉलेज के लड़कों को तंग करोगे और इस कॉलेज को गुंडों का अड्डा बना के रखोगे। पृथ्वी, ये कॉलेज है विद्या का मंदिर, ज्ञान का मंदिर। वो ज्ञान जो नारी की इज्जत करना सिखाता है, नारी को माँ, बहन और बेटी का दर्जा देता है। अगर तुम इस मंदिर से वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता यहाँ पढ़ने लिखने का। गुंडागर्दी तो एक अनपढ़ भी कर सकता है। समाज और सरकार बेवकूफ नहीं है जो पढ़ाई लिखाई पर इतना पैसा खर्च करते हैं। वो अपने बीच एक अच्छे शहरी को चाहते हैं, पढ़े लिखे इंसान को चाहते हैं, ना कि पढ़े लिखे गुंडे को। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट आउट। बड़ी अफसोस की बात है, तो अखबार में न्यूज छपी, प्रिंसिपल ने पृथ्वी को निकाल दिया कॉलेज से। नमस्ते। नमस्कार। माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, आपको यहाँ आने का कष्ट दिया, आपको इंतजार भी करना पड़ा। आपने हमें बहुत तकलीफ दी है, इसलिए आपको यहाँ आने के लिए याद किया। मैंने वही किया जो एक कॉलेज के प्रिंसिपल को करना चाहिए था। जो स्टूडेंट गलती करेगा, कॉलेज के नियमों को भंग करेगा, वो सजा तो पाएगा ही। और अगर स्टूडेंट मंत्री का बेटा हो तो सजा और कड़ी हो जाती है, जिससे कॉलेज का शहर में नाम होता है, स्टाफ और स्टूडेंट्स में प्रिंसिपल की क्लीन इमेज बन जाती है। आप मंत्री है ना, इसलिए जनता नाम और इमेज की बातें करते हैं। लेकिन एक कॉलेज के प्रिंसिपल का इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं होता। उसका लेना देना होता है तो सिर्फ कॉलेज के डिसिप्लिन से। जो स्टूडेंट डिसिप्लिन तोड़ता है उसे तो आप सजा देते ही, लेकिन कई बार उसे रेस्टिकेट भी कर देते हैं ताकि उस स्टूडेंट को जिंदगी भर सुधरने का मौका ना मिले। उसे उम्र भर इस बात का एहसास रहे कि वो गुंडा है और गुंडागर्दी उसकी नियति है। सुधरने का मौका उन्हें दिया जाता है जिन्हें अपनी गलतियों पर पश्चाताप हो। लेकिन शायद पृथ्वी को तो इस बात का एहसास भी नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। उसे एहसास हो भी क्यों प्रिंसिपल साहब, उसने कोई गलती नहीं की है, उसने तो शरारत की थी। शरारत? एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालना शरारत, कॉलेज के लड़कों से मारपीट करना शरारत। वाह मंत्री जी वाह, कब तक अपनी आंखों पर बाप के प्यार की पट्टी बांधे रखेंगे आप? देखिए प्रिंसिपल साहब, आप मेरे पृथ्वी पर खामखा इल्जाम लगा रहे हैं। जी नहीं, ये इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत है। आप अपनी आंखों से बाप के प्यार की पट्टी उतारिए तो सही, आपको सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। आपका मतलब है कि उसने मुझसे झूठ बोला? नहीं, पृथ्वी ऐसा नहीं कर सकता। प्रिंसिपल साहब, अगर वाकई उसने मुझसे झूठ बोला है तो भी आप उसे एक मौका और दीजिए। अगर उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई तो वो कहीं का नहीं रहेगा। मैं आपसे शिक्षा मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक बाप की हैसियत से प्रार्थना कर रहा हूं। आप हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा ना करें, ठीक है? मैं उसे एक मौका और देता हूं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, अगर पृथ्वी ने अपने आप को नहीं सुधारा तो उसका खामियाजा उसे बहुत भारी कीमत देकर चुकाना पड़ेगा, और शायद आप जैसे शरीफ आदमी को भी। चलता हूं। आकाश, आकाश, बाइक रुको जल्दी। क्या हुआ? वो देखो भूचाल। ओ निशा, छोड़ो ना सब बातें। रुको ना, थोड़ी देर और देखने दो ना। शट अप इडियट, चलो। बाइक रुको, बाइक रुको। क्या हुआ? जब देखो बाइक रुको, बाइक रुको, परेशान करके रखा हुआ है। निशा, आकाश,
अरे निशा की बच्ची, निशा की बच्ची, तुम प्यार करने वाले कपल्स को छिप छिप कर देखो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इट्स अ बैड मैनर्स। यूं खुल्लम खुल्ला प्यार करना भी तो बैड मैनर्स है। जब उन्हें खुल्लम खुल्ला प्यार करने में शर्म नहीं आती तो हमें देखने में कैसी शर्म। लगता है बारिश होने वाली है, इससे पहले बारिश हो निशा हम घर निकल चलते हैं। थोड़ी देर रुको ना, देखने दो ना मुझे कितने रोमांटिक हो रहे हैं। अगर इनके रोमांस को यूं ही देखता रहा ना तो मेरे भी कदम बहक जाएंगे। तो बहक जाने दो ना।
रातों में तू ही तू है, तेरे बिना अब जीना है मुश्किल। ओ आंखों में सांसों में हो गई है। निशा अब तक क्यों नहीं आई? अरे भाई बारिश में फंस गई होगी कहीं। ऐसी मूसलाधार बारिश में कभी कभी टैक्सी या ऑटो रिक्शा का मिलना मुश्किल हो जाता है। अरे क्या मुश्किल हो जाता है, कम से कम फोन तो कर सकती थी ना कि मम्मी मैं यहाँ हूँ, हम जाकर उसे पिकअप कर लेते। अरे क्या पता जहाँ पर फंसी हुई हो वहाँ पर फोन ही ना हो, या वहाँ का फोन खराब हुआ हो। आप भी कैसी अजीब बातें करते हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। एक तो लड़की जान, ऊपर से कच्ची उम्र, कहीं उसे कोई बहका ना दे। हमारी बेटी के बहकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो एक समझदार लड़की है, ना वो खुद बहक सकती है और ना ही कोई उसे बहका सकता है। अरे अपनी बेटी पे भरोसा रखो। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, मगर आजकल जमाने में जो ये नंगेपन की खुली नुमाइश हो रही है ना, वो कच्ची उम्र को कभी भी बहका सकती है। निशा की सारी सहेलियों को फोन करके पूछ लिया मैंने, किसी को कुछ पता नहीं। ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। अरे मैं नहीं कहती थी कि लड़कियों को इतनी आजादी देना ठीक नहीं, मगर आप हैं कि। अरे कहां बाबा आदम के जमाने की बातें कर रही हो, ये सब पिछली सदी की बातें हैं। जमाना बदल गया है, कभी कभी ज्यादा बंदिशें भी बच्चों को बिगाड़ सकती है। पर इतनी आजादी भी तो ठीक नहीं ना कि रात के 10-11 बजे तक हमें अपनी बेटी का आता पता ही नहीं मालूम हो। निशा दीदी, अब आप ही पूछिए अपनी लाडली से, इतनी देर कहाँ लगा दी इसने। ओ पापा प्लीज मामा से कहिए ना कि मुझ पर नाराज मत हो, बाहर इतनी बारिश कि दूर दूर तक ऑटो टैक्सी का नामो निशान तक नहीं। अरे टैक्सी या ऑटो नहीं मिला था तो तुम हमें इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी, हम आकर तुम्हें पिकअप कर लेते। इस तरह सुनसान सड़कों पर रात में अकेले घूमना, समाना इतना खराब है, भगवान ना करे अगर तुम्हें कहीं कुछ हो जाता तो। ओ मम्मा फिर वही बातें। बेटा तुम्हारी मम्मी ठीक तो कह रही है, राह चलती अकेली लड़कियों के साथ ऐसी ऐसी वारदातें अखबारों में पढ़ने को मिलती है कि दिल दहल सा जाता है। बेटा हम नहीं चाहते कि समाज में जो जहरीली हवा फैली हुई है उसका एक भी झोंका हमारे घर के आंगन में खिले हुए किसी भी फूल के पास से भी गुजरे। सॉरी पापा, सॉरी मम्मा, ऐसी गलती फिर कभी दोबारा नहीं होगी। बिल्कुल पक्का? अरे बिल्कुल डुप्लीकेट रेखा दिखती है। रेखा क्या तुमको श्रीदेवी टाइप चाहिए? अरे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हाउसफुल, अब बाद में फोन करना।
क्या हाल है भाई, आज अचानक इतने दिन कहाँ? मंत्री महोदय की तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक है, बस ऐसे ही आने नहीं हो पाया। और तुम सब ठीक ठाक हो ना? एकदम जकास। धंधा ने तो इतना जोर पकड़ा हुआ है कि अपने मजे के वांदे हो गए हैं। कभी कभी इमरजेंसी में अपनी पड़ोसन है ना वो गोइनीस भाई, उसकी रद्दी अखबार से काम चलाना पड़ता है। अपना जो पेपर है उसका तो हाउसफुल। मगर मीना का ओवर टाइम मिला के 2 महीने के लिए नो चांस। तूने उसे दूसरे के सामने डाल दिया तो क्या करता? तुम 10-10 दिन तक अपना चेहरा नहीं दिखाता है, जेब खाली नहीं करता है, तो क्या मैं उसको फोकट में खाना खिलाऊंगा? बनारसी में चाहे आऊं या ना आऊं, मीना मेरी है, सिर्फ मेरी, और मैं उसे दूसरे के पास नहीं देख सकता, समझे? उसके हर दिन हर रात हर पल की कीमत मैं चुकाऊंगा। ये ले। मजा नहीं आया। मजा नहीं आया ले, पेट खराब हो गया। और ले। अरे रे रे रे, थोड़ा सा बुखार भी हो गया। ये ले। तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, मजा आ गया। जिसने हराम किया हुआ त्योहार का जीना, और आ रहा इसको थोड़ा सा पसीना। चल पहुंच दे, पहुंच दे। चल एकदम निकल ले। एसी ऑन है, डीसी ऑन है, पीसी ऑन है, सब ऑन है। सॉरी मैन, इसमें अपन का कोई फॉल्ट नहीं। ये बनारसी है ना, ये अपन को दूसरे लोगों के पास भेजता है। ठीक है ठीक है, चल एक पैक बना। रामिया विस्की? विस्की लार्ज बनाना है। ओके लो स्वीटहार्ट, मैं अभी लेकर आई। जस्ट अ मिनट। मैन, तुम तो अपन को भूल ही गया। इतने दिनों बाद याद आया अपनी मीना का। हाँ सॉरी, आई एम सॉरी, हमें माफ कर दो। माफ किया? ओह पृथ्वी, रियल गोल्ड है? पृथ्वी ने आज तक कोई भी चीज नकली नहीं पहनी, समझी? ओह काश एक मेरे पास भी ऐसा गोल्ड चेन होता। पसंद है? बहुत। ले लो। ओ पृथ्वी। 14 बरस के लड़के के द्वारा 17 बरस की लड़की की निर्मम हत्या, क्योंकि उसने उस लड़की के 13 साल की लड़की के साथ शारीरिक संबंधों का राज उसके माता पिता को बताया था। और ये देखिए सर, 4 कॉलेज के 20-20 वर्षीय युवकों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया, फिर बलात्कार और बाद में तेज धार हथियार से उसकी हत्या कर दी। और ये सुनिए सर, एक 13 साल की बच्ची का अबॉर्शन करवाते वक्त मौत हो गई। ये आती है सर मुंबई रेड लाइट एरिया, जहां सर वेश्यावृत्ति का धंधा होता है, और सर वहां 12-13 स्कूली छात्र भी पकड़े गए हैं। ऐसी खबरें आए दिन पढ़ पढ़ कर तो हम परेशान हो रहे हैं। ये कॉलेज के स्कूल के युवकों को न जाने क्या हो गया है, जौन रोगों के शिकार हो गए, घिनौने अपराध करते हैं, न जाने इस पीढ़ी को क्या हो गया है। हमारी आने वाली पीढ़ी जो पथभ्रष्ट हो गई है, वो अपने कमजोर हाथों से देश की बागडोर कैसे संभालेगी? पृथ्वी, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम रात पर कहाँ रहे? सारी रात तुम्हारे इंतजार में हम सो नहीं सके। डैड, मैं अपने दोस्त के घर रुक गया था। हाँ, इन फ्यूचर अगर आपको कभी नींद ना आए ना, नींद की गोली ले लेना, आपको नींद आ जाएगी। जिस बाप के इकलौते बेटे को वैश्य के कोठे और दोस्तों के घर में फर्क नजर आने ना लगे, उस बाप को नींद की गोली से भी नींद नहीं आती बेटे। जब सब कुछ आपको पता ही है, तो पूछ के शर्मिंदा क्यों कर रहे हो डैड?
तुम्हें शर्मिंदा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा गम है जो तुम्हें वैश्य के कोठे की सीढ़ी चढ़ा देता है। छोड़ो डैड, बोल बोल। निशा डैड, गगन के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? गगन, हाँ, नव, अंबर, आसमान। नव, अंबर, आसमान और हाँ, आकाश। आकाश क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। आकाश, आकाश शब्द का वाक्यों में प्रयोग कैसे होगा? आकाश शब्द का वाक्यों में प्रयोग, जब आकाश पर निशा घेराती है तो निशा दीदी सोई सोई में भी आकाश आकाश पुकारती है। यू पूजा की बच्ची, अभी तुझे बताती हूँ। ए, 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 छोड़ो ना, तू बहुत शरारती होगी। ये ले, मजा आएगा। निशा बेबी, आपसे मिलने लड़के के कॉलेज का पिता आया है। लड़के कॉलेज का पिता? क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं, कॉलेज के लड़के का पिता आया है। सॉरी, माफ करना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। मेरा मतलब है आपसे मिलने कॉलेज लड़का पिता तीनों आए हैं। साहब ने आपको बुलाया है, बस आप जल्दी से आ जाइए। नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते बेटा, आओ आओ बैठो, मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अंकल, ऐसी कौन सी बात है जो आप सिर्फ मुझसे करना चाहते हैं? क्या है बेटा कि मैं चाहता हूं कि पृथ्वी की और तुम्हारी दुश्मनी दोस्ती में बदल जाए, बल्कि मैं तुम्हारा हाथ पृथ्वी के लिए मांगने आया हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस लड़के से शादी करूं जिसने कॉलेज में मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी? वक्त, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? पापा, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। माताजी, मैं अपने बेटे की गलती पर बेहद शर्मिंदा हूं। दरअसल मेरा बेटा आपकी बेटी से बेहद मोहब्बत करता है। अगर निशा बेटी उसे शादी कर ले तो वो सुधर जाएगा। हमारी बेटी को किसी को सुधारने की कोई जरूरत नहीं। मंत्री जी, इससे पहले कि हमसे आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो जाए, आप कृपया यहां से चले जाइए। मेहता साहब, I'm really very sorry. Very sorry, मेहता साहब, कि मैंने खामखा आप लोगों का दिल दुखाया। Sorry. अंकल, जाने से पहले मेरी एक बात सुनते चाहिए। आप अपने लाडले बेटे के करतूतों पर पर्दा डालने के बजाय उसे समझाइए, उसकी बढ़ती हुई गुंडागर्दी पर अंकुश लगाइए, वरना वो दिन दूर नहीं कि आपको किसी दिन वो अपने जुर्मों की सजा काटता किसी जेल की काल कोठरी में मिले। Yeah.
दिस नॉनसेंस? अब तो आपको अपने बेटे की करतूत पे यकीन आया? बदतमीज़, यह है तुम्हारा इस लड़की के लिए प्यार? इस प्यार के लिए तुम मेरे सामने गिड़गिड़ा रहे थे? इस प्यार के लिए? डैड, मर गया तुम्हारा डैड, मर गया तुम्हारा डैड आज से। मेरा मंत्री पद और मेरी सत्ता की ताकत तुम्हारे लिए ढाल बनी हुई थी, इसलिए आज मैं तुमसे तुम्हारी ये ढाल छीनता हूं। और इसी वक्त ये शहर छोड़कर दूर चले जाओ, जहां मेरे नाम का साया तक तुम्हारा साथ ना देगा। अच्छा हुआ ये सब हमने अपनी आंखों से देख लिया, वरना शायद हम तुम्हारी ये छोटी मोटी शरारत समझकर तुम्हें माफ कर देते। लेकिन नहीं, अब समझ में आया कि तुम शरारती नहीं बल्कि अव्वल नंबर के गुंडे हो। गुंडे, प्लीज डैड, प्लीज। सुना नहीं तुमने? तुम्हारा डैड तुम्हारे लिए आज से मर चुका है। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। बेटी, तुमने ठीक कहा था कि मेरा बेटा गुंडा बन चुका है, लेकिन अब यह गुंडा तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करेगा। उसने तुम दोनों को जो भी तकलीफ पहुंचाई है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। नहीं अंकल, आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आपका कोई दोष नहीं है। प्लीज अंकल, प्लीज। आपको कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत परेशान हूँ। टेंशन, परेशान, बीवी की टेंशन, बिजनेस की टेंशन, इनकम टैक्स की टेंशन, बच्चों की टेंशन, पेट की टेंशन। हर आदमी अपनी टेंशन दूर करने के लिए इधर आता है। हाँ। लेकिन सेठ, मैं माफी चाहता हूँ, आज मैं तुम्हारी टेंशन दूर नहीं कर सकता। हाउसफुल, ये रजिस्टर देखो। ये लाल निशान, मतलब ये लड़की खाली है। ये लाल निशान जो है ना, इसका मतलब लड़की खाली नहीं। आओ 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 बबुआ, आओ आओ। हमार बबुआ आया है, हमार रोमियो। अरे का बात है बबुआ, ये का चेहरे पे तनिक भी रौनक ना ही है? चेहरा नाइसन दिख रहा है, जैसे कोई पिक्चर पुरानी होती है उस पर पुराना पोस्टर चिपका होता है। का हुआ, क्या बताओ? बात ही कुछ ऐसी है। अरे हुआ क्या? सड़िया चलेगी, चल जा तो। क्या वो बोलना? डैडी ने मुझे घर से निकाल दी। वो बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। मेरा मतलब हुआ क्या? मतलब ये कि मेरा सारा खर्चा पानी बंद और मुझे शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। यानी कि जेब खाली। सेठ जी, मुबारक हो, तुम्हारा काम हो गया। यानी लड़की मिल जाएगी? अरे लड़की भी मिलेगी, बिस्तर भी मिलेगा, एसी भी मिलेगा। अरे मीना, अरे हमार सोने की मुर्गी रे, हमार हीरे की मुर्गी, आ जा। हाय मैन। अरे हाय मैन नहीं, हाय अंकल बोल। मेरा मतलब है हाय सेठ जी बोल। आज ही तुहार के मालिक है, तुहार के मालिक। जाओ अपनी टेंशन दूर कर लो। समझदार, जो इसे किसी और के हवाले किया तो। क्यों बे, ये का तुहार की लुगाई लगती है? बनारसी दल्ला कभी गलत नहीं कहता, और वो जो भी कहता है वही करता है। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है, चल फट। अरे सुन, हमारे एक बात और ध्यान से सुन ले। अगर ये समुंदर की है मछली, तो हम उस समुंदर का है मगरमच्छ। आइंदा इससे मिलना हो तो खीसे में माल भर कर आना। चल जा, लॉलीपॉप खा जा। सेठ जी, जाइए अपनी टेंशन दूर कीजिए, और आते वक्त मुझे पेंशन भी दीजिए। जाइए जाइए, सेठ जी की मसाज करना, सरसों का तेल ऊपर पड़ा है। हेलो विवेक, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? हाय रूबी। हेलो। हाय। एक किताब गिर गई थी। क्या मैन, हर वक्त किताबों में खोए रहते हो? कभी कभी अपने आसपास के नजारों पर भी नजर मार लिया करो। आसपास का नजारा? मुझे तो कोई नजारा नजर नहीं आ रहा। तुम्हें कोई हसीन नजारा नजर नहीं आ रहा? नहीं। ओ शिट, क्या हुआ विवेक? कुछ नहीं। तो ये चक्कर है, तुम तो बहुत पहुंची हुई चीज निकले। शट अप रूबी,
ये मेरी अच्छी दोस्त है, अच्छी लड़की है, तुम्हारी तरह कोई बोलो बोलो, तुम्हारी तरह कोई चीप लड़की नहीं। जरा इसे जमाने की हवा तो लगने दो, फिर मैं तुमसे पूछूंगी कौन चीप है और कौन नहीं, समझे? ये विवेक क्या कह रही थी? अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे तुम्हारा दिमाग केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला नहीं खाना है, मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट खानी है। ए भड़वे, यहाँ कहाँ घुसा रहा है? बनारसी उस्ताद, बनारसी उस्ताद। अरे अपना ही बचवा है, क्यों झबरेले कुत्ते की तरह मेरा पांव चाट रहा है? अरे बनारसी उस्ताद, खबर ही कुछ ऐसी है उस्ताद। किधर है खबर, पढ़ के वजन देख लेते हैं। अरे उस्ताद वो वाली खबर नहीं उस्ताद, अपुन की खबर। उस्ताद जब से वो पृथ्वी गया है ना, अपुन के खाने के भी वादे हो गए उस्ताद। उस्ताद थोड़े पैसे चाहिए उस्ताद। पैसे मुझसे भी मांगता है, जादू चौपाटे पे जाकर कुछ भीख मांग। अपने बच्चे को अनाथ करोगे क्या? अपन कभी काम धंधे का कुछ बंदोबस्त कर दो ना उस्ताद। उस्ताद मांगता तो अपने इधर झाड़ू कटने के लिए अपने को रख दो क्या? तू बहुत रामची है, बहुत रामची है तू। मैं को सोचता हूँ, सोचता हूँ। सोचो उस्ताद, सोचो। अरे हाँ, तू कॉलेज में हीरोइन बेचने का काम करेगा? अरे तुम अपन को लिस्ट दो उस्ताद, कौन सा हीरोइन बेचने का है, टॉप से टॉप हीरोइन का वाट लगा लेगा अपन। अरे गधे के बच्चे, वो फिल्म वाली हीरोइन नहीं, हीरोइन वो ड्रग जो नशा होता है वो। अरे बेचेगा उस्ताद, बेचेगा, मैं अभी बेच गया। तेरे बाप ने अभी कॉलेज खोल रखा है क्या? अरे सुबह जाकर जब कॉलेज खोलेगा ना तब बेच कर आना। और सुन, ये कॉलेजवा में बहुत खूबसूरत खूबसूरत छोकरियां होत है ना? बिल्कुल सही सुन लो उस्ताद, एक बात हमार कान खुलकर सुन ले, ये छोकरिया का ये नशा का आदत डाल दे हैबिट, और जब हैबिट पड़ जाए तो ब्रांच ऑफिस से सप्लाई बंद कर देना, और हमारी जो हेड ऑफिस है ना इका दर्शन करा देना। बाकी अपन सब समझ गया उस्ताद। सुबह ड्रग्स ले जाना और फिर तेरा धंधा शुरू। थैंक यू उस्ताद। अरे का पाव है यार, मेरा पाव इधर। समझ गया समझ गया, तेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नीचे तीन चार अखबार खाली पड़ी है, उका जाके पढ़ डाल। थैंक यू उस्ताद। यार हमका डिस्टर्ब कर दिया रे। क्या दुनिया है, क्या दुनिया है ना, दुनिया तो मरने के बाद स्वर्ग का झामा देखता है, आप उन तो जिंदा में स्वर्ग का झामा देखा डालता है क्या? अरे हाँ, तेरा सामान ये ले कट पीस, चल वट ले। इतने दिन से कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे पतली कमर भारी सामान, अरे इतने दिन तू किधर थी मेरी जान? जयचंद बातें छोड़ो, कुछ है अपुन के पास तो बहुत कुछ है बाप, तेरे पास कुछ है क्या? जयचंद, जयचंद प्लीज मेरे साथ उधार कर लो, याद करो मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें कितने पैसे दिए थे। ये वाह नकरे मत दिखा, चल क्या दिया क्या लिया वो भूल जा, आज की बात कर, आज की बोल, क्या जमा है? मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। क्या बात कर रही बाप, कुछ भी नहीं है? अच्छा ये क्या है रे, ये क्या है, ये क्या है? अरे जल्दी काट कट पीस, अरे निकाल रे। क्या बात है, ठीक है ये ले भाई तेरे सामान ले, ये किधर गया भाई? हाँ ये ले, ये बात सोने की अंगूठी लग रही ले रे। अबे ये भी तो निकालना, चला लो। क्या बात है बाप, एक बात बोलू, ये अगर तू ये अंगूठी को अगर अपने प्यार की निशानी समझ के देती ना बाप, जिंदगी भर के लिए तेरे को अपन स्वर्ग की आयश कराएंगा, वो भी फुकट में। एक क्या बोलती तू? अरे कसम बनारसी दल्ले की, अगर तेरे को भी उसके कोठे पे ले जा करके स्वर्ग का आयश नहीं किया ना, तो अपन का नाम भी जयचंद नहीं रे बाप, जयचंद नहीं। हेलो मिस वंदना, क्या बात है आज ना हाय ना हेलो? प्लीज आकाश मुझे अकेला छोड़ दो। आय हाय, ये अकेलेपन की तलाश, लगता है किसी से मोहब्बत हो गई है। जस्ट शट अप आकाश। ऐसे विश, लेकिन तुम्हारी सारी निशान दिखाई नहीं दे रही। वो आज कॉलेज नहीं आई। लेकिन क्यों? आई डोंट नो,
आप सुबह से बेड पर लेटे लेटे मैगजीन पढ़े जा रहे हो और मैं बोर हो रही हूँ। चलो नीचे चलते हैं। नहीं पूजा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चमन लाल के हाथ के बने पकौड़े खाकर तबीयत सबीयत सब ठीक हो जाएगी। क्या चमन लाल पकौड़े बना रहा है? खबरदार, होशियार। क्यों? क्योंकि आ गया है चमन लाल, किंग ऑफ पकौड़ा सम्राट, नया शाकार पकौड़ा मेरा यार। चमन लाल के पकौड़े भूलोगे थोड़े? चमन लाल, मैंने पीले रंग के पकौड़े तो अपनी जिंदगी में देखे थे, पर लाल पीले नीले सतरंगी पकौड़े पहली बार देखे। अरे मैडम, ये सादे पकौड़े थोड़े ही ना है। अच्छा? ये है फिल्मी पकौड़े, ईस्टमैन कलर, इसलिए तो नीले पीले काले हैं। आइए खाइए खाइए खाइए। निशा बीबी, पकौड़े कैसे हैं? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे हैं। उल्लू किसे बना रही हो आप? तो बार बार चटनी पे चटनी खाई जा रही हो। चमन लाल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बीबी जी, क्या हुआ बीबी जी? क्या हुआ मैडम? बीबी जी, क्या बात है आरती? इमरजेंसी क्या है? फोन करके क्यों बुलाया? तुम्हारी बेटी ने बहुत दिल दुखाया है मेरा। क्या बात है, क्या किया? क्या पापा, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपके विश्वास को तोड़ा है। साफ साफ कहती क्यों नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो? माय गॉड, ओह माय गॉड, कांट बिलीव दिस। मैं गलत था, मुझे अपने बच्चियों को आजादी नहीं देनी चाहिए थी। नहीं पापा, नहीं, आप गलत नहीं थे, सारा कसूर तो मेरा है। मैंने आपकी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाया है। पापा, आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, तब आप चाहे तो मेरा गला घोट दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आप इससे कुछ कहते क्यों नहीं है? आरती, अब कहने सुनने का वक्त नहीं रहा। इससे पहले कि ये बात फैले और हमारा रास्ते पर चलना फिरना मुश्किल हो जाए, एक काम करो, कहीं से किसी लेडी डॉक्टर को बुलाओ और फिर इसका एबॉर्शन करा दो। एबॉर्शन? नहीं, मैं ये पाप नहीं करने दूंगी। तो बच्चा पैदा कराएंगे इससे? ये उम्र है इसकी बच्चा पैदा करने की? यही सब सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अंकल, जो कुछ भी हुआ उसमें निशा ही नहीं, मैं भी जिम्मेदार हूँ। अगर आप लोग इजाजत हो तो मैं निशा से शादी करने को तैयार हूं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा। प्यार करना है हमें, प्यार करना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। प्यार करना है हमें, प्यार करना है, प्यार करना है, बेशुमार करना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों।
से भी गोरा तेरा उजला बदन, तेरे तन की खुशबू से महका चमन। अलहर है जवानी तेरी पागल मेरा मन, बढ़ने लगी है मेरे दिल में आगन, देख तुझे आज मेरे बहके कदम। प्यार करना है हदों से पार करना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। क्या बात है मम्मी, कुछ परेशान लग रही हैं आप? हाँ बेटा, निशा की शादी ने मुझे कुछ डरा सा दिया है। क्यों मम्मी, आकाश अच्छा लड़का है। सवाल आकाश का नहीं है बेटा, सवाल है उनकी उम्र का। क्या मतलब? इतनी कम उम्र में शादी, क्या होगा दोनों का भविष्य? ऊपर से निशा अब माँ बनने वाली है। क्या? हाँ बेटा, काश कि उनके कदम यूं ना बहके होते तो शायद उनकी शादी भी इतनी जल्दी नहीं होती। मैं तो उनके भविष्य के बारे में सोचती हूँ तो डर सी जाती हूँ। अरे वो खुद इतने बच्चे हैं, अपने बच्चों का बोझ कैसे संभाल पाएंगे वो? और अगर बच्चा सही सलामत पैदा हो तो। मम्मी। हाँ बेटा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कम उम्र का सेक्स लड़के और लड़की दोनों के लिए खतरनाक साबित होता है, उनके आने वाली जिंदगी के लिए, उनके अपने शरीर के लिए। और अगर कोई लड़की माँ बन जाती है तो उसकी तो पूरी जिंदगी दांव पर लग जाती है। वो कैसे मम्मी? इंसान के शरीर को विकसित होने के लिए एक वक्त लगता है, और इस वक्त से पहले बाहरी तौर पे हमें लगता है कि हमारा शरीर पूर्ण है, मगर कहीं ना कहीं अंदर से वो अधूरा रहता है, और यही अधूरापन खतरनाक होता है। वक्त से पहले शरीर के साथ छेड़छाड़ करना इस अधूरेपन को बढ़ावा देता है, और इंसान का शरीर अंदर से खोखला हो जाता है। तो इसलिए सरकार ने 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के की शादी तय की है। हाँ बेटा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति शादी के बाद ही सेक्स की इजाजत देती है, मगर पश्चिमी सभ्यता ने हमारे यहाँ के युवाओं को इस कदर बहका दिया है कि वो सेक्स को ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, बिना किसी की परवाह किए, बिना कोई अंजाम सोचे। और नतीजा क्या होता है बेटा? कम उम्र की लड़कियां गर्भ निरोधक गोलियां लेती है या फिर एबॉर्शन, और ये दोनों स्थिति खतरनाक होती है। मैं समझ गया मम्मी, मेरे कदम कभी नहीं बहकेंगे। चाचा, कुछ माल है? रोकड़ा गया? सिर्फ ये है जयचंद, प्लीज थोड़ा सा हेवन पाउडर दे जयचंद, जयचंद प्लीज। हट, इतने में तो जयचंद तेरे को हेवन पाउडर गया, हेल पाउडर भी नहीं देगा। ये बाप, कुछ और तो निकालना। अब और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? अबे झामा,
इतना माल छुपा रखा है तूने इन कपड़ों के अंदर, पर से लेके नीचे तक झामा ही झामा है बाप, और तू बोलती है कि कुछ भी नहीं है, चल वाह तेरी मर्जी है, चल जा चिरकुट जा बटले करने जा फुट। क्या हुआ बेबी, प्रॉब्लम है? अच्छा ऐसा क्या, हाँ ना देता हूँ तेरे को माल बेबी, कितना माल चाहिए तेरे को? लगता है कि अपन का झामा सेट हो गया रे बाप। क्या बात है पूजा, बड़ी गुमसुम सी हो, इतनी देर से तुमने कोई बात ही नहीं की। बस ऐसे ही। कोई बात तो जरूर है। जब से निशा दीदी की शादी हुई है वो कुछ बदल सी गई हैं। क्या मतलब? जब से वो लोग हनीमून से आए हैं मुझे भूल ही गए हैं। बस इतनी सी बात? तो क्या ये इतनी सी बात है? छोड़ो पूजा, सब ठीक हो जाएगा, घर जाओ। ओ आकाश प्लीज अब रहने दो ना। निशा छोड़ो मैं सब, सिर्फ प्यार करो प्यार। ओ आकाश बाबू ट्राई कीजिए। चमनलाल तुमने बनाया तो खाना ही पड़ेगा, पर ये है क्या? बूझो तो जाने। कैसा लगा? चमनलाल तुमने बनाना चाहा बैगन का भरता, पर तुम्हारी कलाकारी से ये वाया बैगन करी, बैगन मखनी वाला होते हुए बन गया बैगन कोफ्ता। राइट राइट, बिल्कुल राइट आकाश बाबू। आकाश बाबू अगर इस बेदर्दी दुनिया में अगर कोई मुझे समझ पाया तो सिर्फ आप समझ पाए। आकाश बाबू आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आप बहुत अच्छे इंसान है, आप यही रहेंगे, आपको कसम है। निशा बेबी कुछ कहिए ना। पर चमनलाल। आकाश हाँ कह दो ना, चमनलाल ठीक ही तो कह रहा है। ठीक ही तो कह रहा है। हाँ बेटे रुक जाओ ना, हम सबकी भी यही इच्छा है, जब तुम घर में होते हो ना तो ऐसा लगता है हमारी बेटी की कमी पूरी हो गई। मैंने ठीक कहा ना जी? पापा आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, चाह क्या था हुआ क्या? सोचा था निशा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसे इस काबिल बनाएंगे कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो जाए, लेकिन इस प्रेगनेंसी की वजह से वो तो अपना ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर पाएगी। शायद ईश्वर को यही मंजूर था। तुम बताओ तुमने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है? पापा पहले मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी करूंगा फिर उसके बाद कुछ और। गुड। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? चमनलाल कितनी बार कहा है टीवी पे वाहियात प्रोग्राम मत लगाया करो, एक की बर्बादी से तुम्हें सबक नहीं मिला? आगे मैं अगर कोई ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा हो तो टीवी इमीडिएटली बंद कर दो। सर वो तो पूजा बेबी, पूजा में अगर समझ होती तो वो इस तरह के प्रोग्राम टीवी में नहीं देखती। तो मेरी बहना नाराज है मुझसे? पूजा तुमने जो कुछ भी देखा उस दिन उसे भूल जाओ और इन सब बातों की तरफ ध्यान मत दो, तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं और आकाश
दोनों अपने आप से बहुत शर्मिंदा हैं, और तुमसे भी। हमें माफ नहीं करोगी पूजा? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। सॉरी दीदी। That's like a good girl, पूजा। मालूम है निशा, तुमने कितनी देर लगा दी? आकाश, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना बेचैन नहीं थी? लगता तो नहीं है, वरना। वरना क्या? अरे इतनी दूर थोड़ी खड़ी होती। ओ आकाश। निशा, तुम्हें मालूम है जब तुम नहीं रहती तो ये रात मुझे काटने को दौड़ती है। अच्छा, काटा तो नहीं? नहीं। तो फिर ठीक है, और वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हें कोई और काटे मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। ऐसा नहीं लगता जैसे पूजा का नेचर कुछ बदल सा गया है? हाँ आकाश, मुझे लगता है वो पूजा का भोलापन, मासूमियत, वो बचपना कहीं खो सा गया है। आकाश, शायद इसके जिम्मेदार हम दोनों ही हैं। हमें दरवाजा खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। निशा, प्यार की आग होती ही ऐसी है, जब बंद कमरों की जगह खुलेआम जलाने की कोशिश की जाए तो न जाने कितने मासूम बचपनों को जलाकर राख कर देती है। अनजाने में हम लोगों ने भी अपने प्यार में पूजा के बचपन को जलाकर राख कर दिया। अब क्या होगा आकाश? गॉड नोज, मासूम कदमों को बहकाना आसान है लेकिन संभालना बड़ा मुश्किल है। निशा, रोल नंबर 27, बीए फर्स्ट ईयर, 16 साल 10 महीने, शौक हमेशा टिप टॉप रहने का, डिस्को में जाके टाइम खोटी करने का, कमजोरी हेवन शुगर। इतनी खूबियों वाली लड़की का कोई नाम पता है कि ना ही? अरे नाम का इसको कुछ झामा नहीं है उस्ताद, कुछ भी चलता है, बस हेवन शुगर मिलना चाहिए। हेवन शुगर नहीं मिलेगा ना तो ऐसे तड़पती है जैसे पानी भी मछली। वाह वाह वाह, यानी कि हेवन शुगर के लिए कुछ भी कर सकती है। उस्ताद, वेरी गुड वेरी गुड। और ये तीन देवियां? अरे उस्ताद, ये तीनों की तीनों मेंढियां तो मेरे को एक ही मिट्टी की बनी लगती। कुछ लोग तो धंधा करके लिपस्टिक, सैंडल, हाई हील, परफ्यूम परफ्यूम खरीदते, और बाकी के अपने अमीर सहेलियों का बराबरी करने के लिए पैसा कमाती। वेरी गुड, तो तूने इनको काम धंधा समझा दिया ना? साथ समझा तो दिया,
पर तुम्हारा क्लास लेने का स्टाइल तो कुछ और है ना उस्ताद। सुनो, जब सो कुत्ता मरता है तो एक दल्ला पैदा होता है, और जब सो दल्ले मरते हैं तो एक बनारसी दल्ला, दल्लों का दल्ला बनारसी दल्ला। पहले कॉलेज में गुंडागर्दी करना, फिर स्टूडेंट्स को नशे का आदि बनाना, और उसके बाद कॉलेज में ड्रग सप्लाई करना, और अब कॉलेज की लड़कियों को कॉल गर्ल बनाना। तुम एक विद्यार्थी नहीं हो बल्कि एक ऐसे जहरीले सांप हो। अगर कुछ दिन हमारे कॉलेज में और रुक गया ना तो ना जाने और कितने स्टूडेंट्स को डस लेगा। लीव दिस कॉलेज, लीव दिस कॉलेज इमीडिएटली। तुम जाते हो या पुलिस को बुलाऊं? हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे सर। गुड। और आकाश, आज जयचंद के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर ना सिर्फ तुमने अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाया बल्कि अपने कॉलेज को भी कलंकित होने से बचाया। आई एम प्राउड ऑफ यू। पूजा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हें एक चीज दिखानी है। क्या? एटॉमिक बम। पर यहाँ नहीं, उधर चल। ये एटॉमिक बम होता क्या है? तो चल तो सही, बैठ जा। ये ले। है ना बाबू? किसकी मैगजीन है ये? डॉली की। तुम्हारे पास कहाँ से आई? पापा की दराज से मिली। इस बार तो छोड़ देती हूँ, पर आइंदा ऐसी मैगजीन तुम्हारे पास नजर आई तो प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी। जाओ अपने क्लास में। देखा, माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं चरित्र निर्माण के लिए, और खुद घर में ऐसी गंदी मैगजीन रखते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे माँ बाप को। छी, अरे बाबा धीरे धीरे चलो। कितनी बार कहा तुमसे धीरे चलो, अगर कहीं कमर लचक गई तो? कमर अब कमर कहाँ रह गई है? आपके साहबजादे के कारण कमर का तो कमरा बन गया है। ए, निशा बेबी आ गई। ए, निशा बेबी, निशा बेबी, क्या कहा डॉक्टर ने? हमारी फिल्म कब रिलीज हो रही है? फिल्म? हाँ? इसके कहने का ये मतलब है कि साहब दुनिया में कब आ रहे हैं? 10-12 दिन लगेंगे। 10-12 दिन? तब तो मेरा ये क्या मेरा लगा रखा है? अरे बिजली आने वाले मेहमान के लिए छुप छुप कर स्वेटर बुन रही है। क्या? और चमनलाल ने मुझसे एडवांस लेके जो तोहफा खरीदा है वो? सर, सर, आपने हमारी सारी पोल खोल दी। जाओ, हम आपसे बात नहीं करते, चल बिजली। अरे अरे बाबा, समाधि लगाकर यहीं बैठी रहोगी या अपने कमरे में भी चलना है? मालूम है डॉक्टर आंटी ने क्या कहा था आराम करने के लिए? अब मुझसे इतनी सारी सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती। अरे बाबा, ये दास है ना, उठाकर ले जाने के लिए तुम्हें। अरे क्या कर रहे हो? अरे मम्मी पापा को बुरा लगेगा। पापा, मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ, कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं, बुरा तो नहीं लग रहा बेटा, फिक्र जरूर हो रही है। तुम्हें इस तरह से अपनी बीवी को उठाए हुए देखकर कहीं मेरी बीवी जिद न कर बैठे, मुझे भी उठाइए ना, तो फिर मेरा क्या होगा? आप कुछ भी बोलते हैं बच्चों के सामने। अरे तो क्या, झूठ थोड़ी बोला मैंने। श्रीमान जी, आपको चढ़ने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। अजी श्रीमती जी, मैंने आपसे नहीं, इनसे पूछा है। अच्छा, तो क्या जवाब है इनका? ये कहते हैं, पप्पा पप्पा, एक झूला और झुलाओ ना। बिल्कुल नहीं, बाकी के झूले पैदा होने के बाद। आकाश, मैं सोच रही हूँ कि हम हमारे बच्चे का नाम क्या रखेंगे।
KPS गर्ल। अरे नाम से ही पता चलना चाहिए कि बंदा कितना दमदार, कितना बहादुर, कितना अकलमंद है। और अगर लड़की पैदा हुई तो? लड़की पैदा हुई तो? लड़की पैदा हुई तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोचते हैं ना? सोचे। उसका नाम रखेंगे पीटी उषा। वेरी गुड। पीटी उषा। हाँ। सारा दिन यहाँ घर में भागती रहेगी और बेबी जी उसे दूध कैसे पिलाएगी? बोल। ओफो, तुम रहे ना बुद्धू के बुद्धू। पंजाब से मिल्खा सिंह को बुलाकर उसके हाथ में दूध की बोतल थमा के उसके पीछे भगा देंगे और फिर देखते दूध कैसे नहीं पीती वो। अरे रूबी, ये क्या कर रही हो? ओफो विवेक, कितनी गर्मी हो रही है ना। चलो गार्डन में चलते हैं। नहीं नहीं, यहीं पे ठीक है। हाय विवेक, आ गई कबाब में हड्डी। हेलो, ये क्या नाम है इसका? पूजा। और पूजा कैसे आना हुआ? ऐसे ही आई हो तो जरा चाय बना दो। हाँ पूजा, प्लीज चाय बना दो ना। ठीक है। ये तुम्हारी दोस्ती है या कुछ और? अरे रूबी, वो तो बच्ची है। चाय का डब्बा क्यों नहीं मिल रहा? शायद इस रूबी की बच्ची ने कहीं छुपाया लग रहा है, ताकि मैं किचन में डिब्बा ढूंढती रह जाऊं। और वो कौन सा परफ्यूम लगाते हो? ब्रुकबॉर्न स्पेशल। ब्रुकबॉर्न स्पेशल? अरे तुम? हाँ मैं। ब्रुकबॉर्न स्पेशल का डब्बा नहीं मिल रहा विवेक। यानी चाय पत्ती का डब्बा, वही कहीं होगा, ढूंढ लो ना। मुझे चाय बनाने के बहाने अंदर भेज दिया और खुद वहां पर परफ्यूम सूंघी जा रही है, मगर ये चाय मिल क्यों नहीं रही है? अगर तुम अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर लो ना, तो बहुत सेक्सी लगोगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाय उबल जाएगी ना। और जो मैं यहाँ गुस्से से बोल रही हूँ उसका क्या? हाँ पूजा, कैसे बोल रही हो तुम? रूबी हमारी मेहमान है। तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी। पहले इस रूबी का हेयर स्टाइल तो चेंज कर दो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? अभी तो इसकी नाक भी तोड़नी बाकी है। तुम जाओ यहाँ से। तुम जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। कहाँ? आओ चलो। कहाँ? चलो। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू। ये प्यार नहीं, वासना है जिसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं पूजा? Try to understand me। तुम अभी छोटी बच्ची हो, मेरी बात मानो और घर चलो। बिल्कुल नहीं। जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तब तक मैं घर नहीं चलूंगी। और दूसरी बात, मुझे बच्ची बच्ची कहकर चिढ़ाया मत करो। अब मैं बच्ची नहीं रही। चाहो तो तुम मुझे आजमा सकते हो, ऐसे नहीं तो वैसे।
पूजा बीबी, आप कहाँ चली गई थी? आपको पता भी है कि घर में क्या हो गया है? क्या? निशा बीबी की तबीयत एकदम से खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में है। तुम्हें मरने नहीं दूंगा निशा। मैं जीना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बेटी भगवान पे भरोसा रखो। मां और बच्ची दोनों में से किसी को भी बचा नहीं सकी। कम उम्र होने की वजह से निशा यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकी और अपनी बहन की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। बेटी कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी। तेरी बात।
बेटा आकाश, कब तक तुम निशा की याद में अपने आप को दुखी करते रहोगे? अपने आप को संभालो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम निशा को भूल जाओ। मम्मी, मैं उसको भुला नहीं सकता। बात तो पक्की है कि पूजा अपनी बहन की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी हालत हो गई है। लेकिन बात कुछ और भी है। इस वक्त हम सिर्फ यही अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ और? हाँ बेटा, जैसे पूजा के साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो, लाइक अनवांटेड सेक्सुअल एनकाउंटर, या फिर उसने ऐसा कुछ देख लिया हो जिससे उसने अपने मन में, अपने दिमाग में धारणाएं बनाना शुरू कर दी हो। उसकी बहन के मौत के वक्त भी वो धारणाएं टूटी नहीं, बल्कि उसके दिमाग में एक नया विकसित रूप ले लिया था, इसलिए वो सारे मर्दों से नफरत करती है। बेटा, जब तक मुझे इस बात का पता नहीं चल जाता, मेरा उसका इलाज करना इम्पॉसिबल लग रहा है। विवेक, पूजा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं जानता हूँ सब सुनकर लोग मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन मैं बताए बिना नहीं रह सकता। एक दिन घर पे कोई नहीं था, तब उसे स्त्री और पुरुष के बीच उस रिश्ते का पता चला जो कम उम्र में नहीं पता चलना चाहिए था। उसके बाद डिलीवरी के टाइम निशा की मौत, तब से उसके दिल में डर बैठ गया कि प्यार करने के बाद मौत हो जाती है। काश मैंने प्यार नहीं किया होता तो शायद निशा की मौत नहीं होती। उस दिन अगर दरवाजा खुला नहीं रहता तो शायद पूजा की हालत ना होती। तभी पूजा का वही हाल होता। आप एक दरवाजा बंद रखते तो 100 दरवाजे खुले हैं ऐसी अधूरी जानकारी के लिए। पता नहीं कितनी पूजाएं टीवी सिनेमा में स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंधों को देखकर सपने बुनती हैं, और जब कोई पूजा ये सपना पूरा करने की कोशिश करती है तब सच्चाई सामने आती है, और तब पता चलता है कि टीवी पर्दे पर देखा सुना सब अधूरा है। वो टीवी प्रोग्राम, सिनेमा की फिल्में टाइम पास का एक जरिया है, निजी जिंदगी से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। समाधान है, या तो सरकार बच्चों को सेक्स एजुकेशन दे, या फिर सेक्स के बारे में बातें बताने का ठीक ठीक प्रबंध करे, या वो सारे रास्ते बंद कर दे जिसके जरिए उनके पास ये जानकारी पहुंचती है। अनुराधा, मेरी पूजा ठीक तो हो जाएगी ना? सच कहूँ तो पहले मुझे यकीन नहीं था कि पूजा ठीक हो पाएगी, किंतु बाद में मुझे विवेक से पता चला कि पूजा के साथ उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं
जिन्होंने इसके दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ रखी थी। हमने पूजा को वॉच करना शुरू कर दिया कि वो कौन सी सी बातें सुनकर सोचकर डर जाती है, चीखती है, चिल्लाती है। और फिर हमने इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने पूजा का एक नया सिरे से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कहते हुए कि पूजा हमें उस ट्रीटमेंट से पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही है। थैंक यू डॉक्टर, इसका मतलब मेरी पूजा एकदम ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम उसे घर कब ले जा सकते हैं? बस एक हफ्ते बाद ले जा सकते आप। हाय डॉक्टर, हाँ हाँ, प्लीज डोंट हेजिटेट प्लीज। हाँ जी, व्हाट? क्या डैड, क्या हुआ डैड? डैड क्या हुआ डैड? क्या हुआ डैड? मंत्रा क्या बिगड़ा था? क्या बिगड़ा था मैं तेरा? तू छोटा सा था जब तेरी मां आप दोनों को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। तब से लेकर अब तक मैंने तेरी हर खुशी पूरी की। जो मांगा वो दिया, लाड़ प्यार से बड़ा किया ने तुमको, लेकिन उसका सिला क्या मिला मुझे? घर से मिला। तूने तो मुझसे आखिरी हक भी छीन लिया रे, बाप का, बाप की चिता में आग लगाने का हक। डैड आप क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा डैड। तुझे बहुत समझाया मैंने, बहुत समझाया कि अपने हरकतों से बात आ जा, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। और देख तेरे कुकर्मों की तुझे क्या सजा मिली, क्या सजा मिली? भरी जवानी में मौत। मौत? मुझे क्या हुआ डैड? एड्स हो गया डैड। डॉक्टर को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, मुझे तो छोटी मोटी बीमारी है जिसके इलाज के लिए मैं मुंबई आया हूँ। एड्स, ये मुझे कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, तुझे एड्स हो गया है। अरे पृथ्वी बॉस, अरे बाप, तू किधर चला गया था? तू किधर गया था? देख देख तेरे पीछापुर का क्या हाल हो गया रे। देख तेरा दोस्त पृथ्वी आ गया ना, तू काय को चिंता करता है? चल तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। जन्नत? शाम का मौसम सुहानी, घड़ी थी, खजरा लगा के मैं
वाह वाह वाह। जय चंद नीचे होता ठीक है बाप। डर खिल गई रे, चल की डर खिल गई रे, रे चल की डर यहाँ। ये कह रहे तेरी मौत। चेचन अब तुझे पता चलेगा कि हंसी खुशी की जिंदगी जीने वाले को अगर अचानक मौत मिल जाए तो कैसा लगता है। अरे बहुत बुरा लगता है रे बीड़ू, बहुत बुरा लगता है। ए, ये क्या झाबा है रे, इसको अंदर रख दे, इसको अंदर रख दे। मेरे तो चारों के चारों पैर उतर गए रे बाप। अभी तो धीरे धीरे तेरी सांसें अटकेंगी, फिर तेरी मौत होगी, तब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जिस कुत्ते ने पीठ पे छुरा घोपा हो अपुन, और तेरी पीठ पे छुरा। अरे क्या झामा छोड़ता है रे, अपुन तेरा सच्चा दोस्त है रे बाप। उसी दोस्ती का तो बदला चुकाने लाया हूँ तुझे यहाँ मौत के मुंह में। अरे मेरे बाप, अपुन ने किया क्या रे। कुत्ते हरामजादे, तू तो मुझे मीना के पास ले गया था, आज मुझे एड्स है। क्या ये एड्स है? हाँ एड्स है मुझे। मुझे नहीं मालूम था, सच बताओ मुझे नहीं मालूम था कि उस हरामजादी को एड्स है। पर मैं क्या मैं तुझे उसके पास लेके जाता, मेरी इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे रहे मेरे बाप। तेरे बाप पड़ता मेरे बाप। जयचंद एक गलती तूने की थी और अब एक गलती मैं करने जा रहा हूँ। इस रिवॉल्वर का घोड़ा दबा कर, अगर तू जिंदा रहा तो भी तेरी मर्जी, अगर मर गया तो भी तेरी मर्जी। तुम्हारे देखने की चीज नहीं है। पर अंकल जाओ इधर से, मैंने बोला ना जाओ। ए निकालो पोस्टर, इधर मत लगाओ। ओ भाई यहाँ नहीं लगाओ तो क्या तेरे घर पे लगाओ। ये ले तेरे घर के अंदर लगा लेना, तेरे बुरे वक्त पे काम आएगा। साले एक तो बच्चों के स्कूल के सामने ऐसे पोस्टर लगाते हो और ऊपर से दादा जी दिखाते हो। ए डेढ़ साल साला किसको बोला रे तेरे। ए, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। चछोड़ साहब साहब, ये हलकट अपन को यहाँ पोस्टर लगाने नहीं दे रहा है और हाथापाई भी करता है और अपना पोस्टर भी फाड़ दिया इसने। ए, शकल से तो बड़ा शरीफ लगता है, फिर इसके काम में दखल क्यों दे रहा है। इसलिए कल आप सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए यहाँ आए तो ये पोस्टर देखकर बच्चे आपसे पूछे डैडी डैडी ये अंकल आंटी चिपके क्यों है। उसके बाद में फिर आप क्या बोलेंगे। इंस्पेक्टर साहब ये पोस्टर नहीं बल्कि एक ऐसा घुन है जो फूलों को खिलने से पहले ही उनके रंगों को चाट डालता है, मासूम दिमागों को कुंठित कर देता है। जैसे जहरीली दवाओं के ऊपर लिखा रहता है कीप इट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रेन, वैसे इन पर लिखा होना चाहिए कीप इट अवे फ्रॉम द आईज ऑफ चिल्ड्रेन। ए हीरो चलिए पोस्टर उतार, चलो हटाओ। और इसके बाद अगर तुम मुझे स्कूल के सामने या आसपास भी दिखे ना तो साले इतना मारूंगा के याद रखोगे। चलो हटाओ। वेरी गुड यंग मैन, आई लाइक इट। अगर तुम्हारी तरह सब लोग सोचने लगे तो इस देश का भविष्य उतना अंधकार में नहीं होगा जितना हो चुका है। ओहो आप इतनी बड़ी हो गई हैं और अभी भी टेडी बियर से खेलती हैं। ये बात तो हमें मालूम नहीं थी, वरना हम भी आपके साथ खेलते। चलो हम साथ साथ खेलें, हाँ? नहीं? दूर रहो मुझसे। तुम मुझसे प्यार करोगे? फिर मैं माँ बन जाऊंगी, फिर मैं मर जाऊंगी। चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तुमने मेरी दीदी को मार डाला, चले जाओ यहाँ से। मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी।
जा रहे हो? पापा। बेटा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। पापा, मम्मी, जब से मैं इस घर में आया हूं, मेरे साथ मेरी मनहूसियत का साया भी इस घर में दाखिल हो गया है। और निशा की मौत, उसके बाद पूजा की यह हालत, इन सब चीजों का जिम्मेदार मैं हूं पापा। और मुझे यकीन हो गया है, जब तक इस मनहूस का साया इस घर में रहेगा, तब तक दुखों की सीलन इन दीवारों पर नजर आती रहेगी। मुझे माफ कर दो पापा, मेरा यहां से जाना ही अच्छा है। बेटा, तुम जाना चाहते हो ना? जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है? पर बेटा, मुझे एक बात बता के जो, अगर अगर मैं सचमुच तुम्हारी माँ होती और ये तुम्हारे पापा और तुम्हारी छोटी बहन पागलपन से जूझ रही होती, तब भी क्या तुम अपनी माँ को, अपने पापा को और अपनी बहन को दुखों के नरक में छोड़कर चले जाते? नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दो, अब मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे तुम बनारसी, तूने कहा था ना, जब जेब में हो दमड़ी तो ले लेना जब चाहे चमड़ी। अब बोल। अब मैं क्या बोलूं, तुमने तो मेरे होट इन नोटों की फेविकोल से बंद कर दिए। अब तो जो बोलेगा तू बोलेगा, मीना से मीना ऊपर है, निकल ले। वाह माया, तेरे तीन नाम परसी परसा परस राम। माया मुइना मन मुआ मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम मिटी कह गया दल्ला बनारसी। ओह मैन, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अपन भी क्या करता, अपन भी बनारसी के आगे मजबूर था, वरना तो अपन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तू बिल्कुल ठीक कह रही है, तू किसी का साथ क्या छोड़ेगी, तेरे साथ सोने वाला दुनिया छोड़ देगा। क्या मतलब? मतलब जहरीली लगन, तेरी वजह से मुझे आज एड्स है, ये सब तेरी वजह से। एड्स मेरी वजह से? अपन क्या कर सकता है इसमें? अपन ये बीमारी गॉड के घर से लेकर नहीं आया, अपन को भी ये बीमारी यहीं इसी कोठे पर तेरे जैसे किसी हराम के जने से मिला है। यहाँ पर आने वाला आदमी नहीं, जानवर होता है, जानवर जो हर वक्त सिर्फ जिस्म से खेलने की सोचता रहता है, और इतना भी सब्र नहीं होता कि निरोध ले ले। अरे मैं तो मासूम था, तुझे तो सब मालूम था। क्या तुझे बीमारी है? तुझे पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा, मुझे बता नहीं सकती थी तू? तूने मुझे मौत के मुंह में ढकेला है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, नहीं, प्लीज, नहीं, प्लीज। इस साला ससुर का नाती, ये औरत को मारकर क्या मर्दानगी दिखा रहा है? मर्द का बच्चा है, तुम्हारे साथ दो दो हाथ कर। बनारसी, अच्छा हुआ जो तू ऊपर मरने के लिए आ गया, वरना मुझे नीचे जाना पड़ता। अबे चुप, तमंचे के दम पर बहुत कैंची की तरह कटर कटर जबान चल रही है। अगर मर्द है तो नहीं आता लड़। मर्द? तुम लोगों ने मुझे मर्द छोड़ा ही कहाँ है, मुझे तो एड्स का मरीज बना के रख दिया। लेकिन दल्ले, मैं भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार डालूंगा कुत्ते। Ah!
नुमाइश नुमाइश, कदम कदम पर नंगे जिस्मों की नुमाइश। कोई ऑटो रिक्शा में बैठ के प्यार का ड्रामा करता है, कोई गार्डन में, कोई समुन्द्र के किनारे। यार आकाश, तुझे नहीं लगता कि तू इस छोटे से मामले में कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है? ये छोटा सा मामला नहीं है संजीव, इसकी गहराई में जाकर सोचो, तब एहसास होगा कि इस नुमाइश से उन मासूमों पर क्या फर्क पड़ता है जो बचपन की दहलीज को लांघ कर जवानी की दहलीज पे कदम रखते हैं। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। ये खुलेआम इश्क मोहब्बत का ड्रामा करने लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी हरकतें किसी मासूम के दिमाग को बेचैन कर सकती हैं, उसे वो सब करने की प्रेरणा देती हैं जो इस उम्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यार बच्चों के दिमाग पे असर होता है तो होने देना, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हाँ ठीक कह रहे हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो आजादी है खुलेआम इश्क मोहब्बत करने की, और हमारी हरकतों से किसी मासूम के कदम बहक जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? यार छोड़ो, और ये बता कि तू करना क्या चाहता है? यही कि जो लोग खुलेआम इश्क मोहब्बत का ड्रामा करते हैं उन लोगों को समझा सके, गंदी फिल्में, गंदे पोस्टर और गंदे गानों के लिए आवाज उठा सके, ताकि मासूम बच्चों के कदम बहकने से रोक सके। ना पाए जग में ऐसी राह
बनाएंगे इस बदरंग जमाने को हम नए रंगों से सजाएंगे। जीवन सफल करेंगे अपना सबको सफल बनाएंगे नहीं भटकने देंगे अब हम मासूमों के बहके कदम बहके कदम बहके कदम बहके हुए तन बहके हुए मन बहके कदम बर्बादी की राहों पे बढ़ते कदम आओ बढ़ के रोक ले हम इन नादान दीवानों को कहीं भटक ना जाए मासूमों के बहके कदम बहके कदम बहके कदम बहके कदम। आकाश नाम नहीं एक सोच है। देखो इसे आकाश युवा पीढ़ियों का मार्गदर्शक। देखो 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 इसे ऐसे होते हैं नौजवान जो अपने समाज और परिवार का नाम ऊंचा करते हैं और एक तुम हो जो अपने ही शरीर से बेबस होकर गंदी नालियों में मुंह मारकर एड्स का शिकार बन बैठे हो। कुछ सबक लो इसे। सबक तो इसको मैं सिखाऊंगा डैड। इसने मेरी निशा को मुझसे छीन लिया आज इसकी वजह से मैं बर्बादी के कागार पे पहुंच गया हूं। इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी डैड। मिस्टर आकाश तुमने मुझे हमेशा मात दी है लेकिन अब मैं तुम्हें मात दूंगा। जो खुद से मात खा चुका हो दूसरों को मात देने निकला है। क्या बात है मिस्टर पृथ्वी पुलिस को देखकर इतना डर? शायद तीन तीन कत्ल करने से पहले तुम ये भूल गए थे कि पुलिस नाम की भी कोई चीज होती है। कत्ल? किसका कत्ल? बकोमत, तुम अच्छी तरह जानते हो किसका कत्ल। इंस्पेक्टर ये सब क्या है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। सर आपके बेटे ने पिछले दो हफ्तों में तीन तीन खून किए हैं। अपने दोस्त जयचंद कौलगल मीना और बनारसी दल्ले का जिसके चश्मदीद गवाह और सबूत मेरे पास है। इंस्पेक्टर घबराओ नहीं जाने दो इसे। मैं अच्छी तरह जानता हूं इस वक्त ये भागकर कहां जाएगा। अरे कौन है तुम लोग अंदर कैसे आ गए? अच्छा मुझे बर्बाद करके तुम लोग खुशियां मना रहे हो मैं भी तुम सबको बर्बाद कर दूंगा समझे।
आकाश आकाश बेटा चीजू बेटा क्या हुआ बेटा चीजू बेटा आज मैं सारे खानदान को खत्म कर दूंगा देखा जाए आज मैंने इसको मात दे दी ये क्या कर रहे सर आज मैं इनको छोड़ूंगा नहीं डैड मेरा अपना खून इसके लिए एक आंसू तक बहाने का मन नहीं कर रहा है और कहां आपका बेटा है इसके लिए बोल तू बोलना तू बोलना तू बोलना अरे मैं कैसे बोलूं साहब इधर उधर भागकर हमें तो कहीं अच्छा काम नहीं मिला तो हमने सोचा कि इससे पहले कि उमर हमारे जवानी पर झाड़ू पोता मार दे हम दोनों शादी करके यहीं रह जाते हैं आपके चरणों में अरे पर तुम दोनों शादी करोगे किसके साथ इनका मतलब है आपस में शादी ये तो बड़ी अच्छी बात है परमिशन मिल गई आशीर्वाद दीजिए ये दोनों आ गए साहब आप इन दोनों की शादी क्यों नहीं कर देते शादी करूंगी पर बालिग होने के बाद